अमित जी, जब रमेश जी ने जिस वक्त स्क्रिप्ट सुनाई थी आप सबको, तो ये किताब में जिक्र है इस बात का कि ज़्यादातर लोग जो थे उनका ध्यान ये था कि गब्बर का वो किरदार निभाना चाहते हैं, उनमें से आपने भी ये बात पहले भी कही है। तो बाद में जब अमजद खान साहब जिस वक्त शूटिंग कर रहे थे, तो अक्सर ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और सलीम साहब और जावेद साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस किस्म की गब्बर की आवाज़ होनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं थी, वो एक अलग बात है कि बाद में वही आवाज़ जादू बन गई। तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके, कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज़्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया। मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसा लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan and watch me only on facebook.com/businessofcinema.